हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और आज जो है हमारा इकोनॉमिक्स का रहने वाला है लेक्चर नंबर 39। इसमें हम बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में। इसके जो ये लेक्चर है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका जो माइक्रो स्मॉल एंड जो आपका मीडियम इंटरप्राइज यानी कि जो आपका MSME सेक्टर होता है वो क्या होता है। सेकेंड हम देखेंगे जो आपका जो MSME सेक्टर है इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की गई है। फिर हम देखेंगे जो आपका जो MSME सेक्टर है इसके जो फीचर्स हैं और इसकी जो नीड है वो क्या है, मतलब क्या रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फिर हम देखेंगे जो MSME सेक्टर है इसको लेके जो चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे जो आपका जो MSME सेक्टर है इसको लेके जो आपके गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है वो क्या है और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या सजेशंस और दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर या टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @successnetra। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग अगर हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर, आपकी जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि जो आपका MSME सेक्टर होता है इसको हम हिंदी बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थाएं। इसके अंदर में क्या होता है कि ये ऐसी एंटिटीज हैं, ये ऐसी यूनिट्स हैं जो हमारी कंट्री के अंदर जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, फिर आपकी कोई भी गुड्स है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग करती है, फिर कोई कमोडिटी है उसकी प्रोसेसिंग करती है, ऐसी एंटिटीज जो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में या फिर कमोडिटी में, तो वो सब जो है वो हमारी MSME सेक्टर के अंदर में आती है। और जो ये MSME सेक्टर है ये आपका जो हमारी इकोनॉमी के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये है कि हमारी कंट्री के अंदर में जो है मोर देन 8 करोड़ पीपल, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जो अभी आंकड़ा है करीब 11 करोड़ प्लस हो गया है कि 11 करोड़ से प्लस लोगों को ये रोजगार देता है। और हमारी कंट्री की जो GDP है उसमें 35% से ज़्यादा जो है हमारे GDP के अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है MSME सेक्टर। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें जो MSME सेक्टर है वो ये वो इंटिटीज हैं, वो यूनिट्स हैं जो आपकी इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में और आपका प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज के अंदर में। और ये इस इंडस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसको टैकल कर दें क्योंकि ये मोर देन 8 करोड़ पीपल्स को ये रोजगार देती है। और हमारी कंट्री की जो GDP है उसमें सीधा सीधा 35% से अधिक तक ये कंट्रीब्यूट करती है। और इस जो जो ये सेक्टर है इसकी जो पोटेंशियल है वो हम देख सकते हैं, इस पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कंट्री के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यानी कि जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि बेरोजगारी हो गई, रीजनल इम्बेलेंसेज का मतलब ये है कि एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो अधिक संपन्न है, दूसरे क्षेत्र के लोग में अधिक मतलब संपन्नता उतनी नहीं है अगर हम आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से हम बात करें तो उतनी संपन्नता नहीं है। पता लगा कि आपको जो एक एरिया एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है इसकी आपको जो पर कैपिटल इनकम है बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, इसकी पर कैपिटल इनकम आपको कम मिल जाएगी। तो ये जो रीजनल जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको टैकल करने में हेल्प करता है। और आपका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका जो एक समान वितरण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ये टैकल करता है और इनमें एक पॉजिटिव वे में इन सब इश्यू को ये एड्रेस करता है। तो इसलिए जो ये आपकी MSME सेक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस वो भी हमारी कंट्री के अंदर में बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं जो आपका MSME सेक्टर है इसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की गई है। अगर हम बात करें MSME एक्ट कब आया था, MSME एक्ट आया था आपका 2006 के अंदर में, और इसके अंदर जो आपका MSME सेक्टर है उसको दो सेक्टर में दो क्लास में डिवाइड किया गया था। ये आपका एक था आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक आपका सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे हम जो कोई भी गुड्स है उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि मान के चलिए कि आपका कोई शुगर मिल हो गया तो ये आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अगर आपके हम सर्विस की बात करें, सर्विस सेक्टर के अंदर में क्या आता है कि यहाँ पे हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं लेकिन आदमी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मान के चलिए कि जैसे मैं ये वीडियो है, ये वीडियो आपको बना रहा हूँ और बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये एक तरह से मेरी सर्विस है और इसके लिए मुझे कुछ भी पेमेंट वगैरह मिलती है तो मेरी इनकम हो जाएगी। मतलब एज ए हम सर्विस की बात करते हैं, यानी जैसे हम बात करते हैं बैंक के अंदर, बैंक के जो अंदर जो प्रोफेशनल बैठे हैं, बैंक मैनेजर बैठे हैं, कैशियर बैठे हैं, तो कुछ प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो क्या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया था लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसको इसकी तीन और क्लासिफिकेशन निकल के आई।
इसमें क्या था आपका, जो आपकी माइक्रो आपकी जो माइक्रो सेक्टर था आपका, माइक्रो सेक्टर के अंदर में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जिनके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 करोड़ से कम थी, कम की थी, और उनका जो उनका टर्नओवर था वो 5 करोड़ से कम था, कम का था। यानी कि ऐसी यूनिट्स जिनका जो जिनमें स्टार्ट करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी कैपिटल वो 1 करोड़ से कम है, और जो उनका टर्नओवर है वो लेस देन 5 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज की, स्मॉल सेक्टर की, स्मॉल यूनिट्स की, स्मॉल एंटिटीज की, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे एंटिटीज जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम है और जो उनका टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है। और अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम के अंदर में आते हैं ऐसी एंटिटीज जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 20 करोड़ है, 20 करोड़ से कम है, और आप उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम है। तो ये तीन रूप में इनको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। माइक्रो के अंदर में है आपकी 1 CR से कम का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आपका 5 CR से कम का आपका टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर में कितना बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। अगर हम बात करते हैं स्मॉल की, स्मॉल के अंदर में क्या होता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए और उनका जो टर्नओवर है वो लेस देन 50 CR होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मीडियम की, मीडियम के अंदर में उनका इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 20 करोड़ होना चाहिए और आपका जो टर्नओवर है वो लेस देन 100 करोड़ आपका होना चाहिए। तो ये आपकी है क्लासिफिकेशन, किस हिसाब से इनको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के रूप में किसी भी यूनिट को, किसी भी एंटिटीज को डिवाइड किया जाता है। तो उसकी ये कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपकी एमएसएमई सेक्टर है, इसकी जो इंपोर्टेंस है, इसके जो फीचर्स है वो क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका हमारी कंट्री के अंदर जो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट इम्प्लॉयर है। जो आपका एमएसएमई सेक्टर है ये दूसरा सबसे बड़ा इम्प्लॉयर है, पहले पे आपका जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करते हैं कि आपकी जो हमारी कंट्री की जो GDP है उसको भी बूस्ट करने में हेल्प करता है, और हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट है उसको भी ये बूस्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट है वो आधे से ज़्यादा एक्सपोर्ट वो एमएसएमई सेक्टर से निकल के आते हैं, और हमारी कंट्री की जो GDP है उसके अंदर में सीधा सीधा 35% से अधिक ही कंट्रीब्यूट करता है। और ये इस इंडस्ट्री के अंदर में, इस सेक्टर के अंदर जो आपका एमएसएमई सेक्टर है इसके अंदर में वो पोटेंशियल है कि हमारे जो रूरल एरिया यानी कि हमारे हमारी कंट्री के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर भी हम इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास कर सकते हैं, और जो लोग जो वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें भी ये हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, अगर आप हमको कोई एक बड़ी फर्म लगानी यानी कि कोई बिग इंडस्ट्री लगानी, तो उसके अंदर में क्या होगा कि हम प्रेफर करता है कोई भी अगर बिजनेसमैन है उसको कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाए तो वो प्रेफर करता है कि वो एक क्लास ए सिटी के अंदर में वो आपका अपनी एंटिटी को लगाए, जहाँ पे उसका जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसको अच्छे प्रोवाइड हो सके, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी अच्छे से उसको वहाँ पे मिल सके, फैसिलिटी जो मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं वो वहाँ पे उसकी पूरी हो सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमएसएमई, अगर मान लीजिए कोई इंसान है उसको कोई एक छोटी यूनिट लगानी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोशिश करेगा कि एक रूरल एरिया में जहाँ से उसका जो उसका कुछ अदर रोजगार है वो भी चलता रहे और वहाँ पे वो लगा ले। तो एमएसएमई सेक्टर इनको रूरल एरिया के अंदर में इसको लगा, जो आपकी माइक्रो स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी के अंदर जो इसकी इंडस्ट्री आती है उनको हम रूरल एरिया के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। और अगर रूरल एरिया में उनको लगाया जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रूरल एरिया के अंदर प्रोडक्ट आपका जो है प्रमोट होता है। वो हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरप्रेन्योर्स हैं यानी कि जो नए लोग हैं जो जीवन के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, जो आपके इंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको भी इनक्रेज करता है, इसलिए कि वो भी कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये आपका इंक्रीज करता है। और हमारी कंट्री के अंदर में आपकी एक आती है आपकी जेंडर इक्विटी, जो हमारी कंट्री की एक मेन समस्या है, आपकी रीजनल एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास, इसमें मदद करता है। जेंडर इक्विटी के अंदर में क्या है कि आपके जो एमएसएमई सेक्टर है इसके अंदर में जो आपकी जो फीमेल हैं एंड आपके जो मेल्स हैं दोनों को यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो उससे क्या है कि उनका आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आपकी जो जेंडर इक्विटी है वो कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। और हमारी कंट्री के जो लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो फार्म इनकम पे डिपेंडेंट है तो वो भी ये कम करता है, यानी कि जो आपके नॉन फार्म लाइवलीहुड है उसको भी ये प्रमोट करता है। और इन सभी रीजन की वजह से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इंजन ऑफ नेशन, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है उसका एक तरह से ग्रोथ इंजन इसको हम बोलते हैं। सिर्फ जो ये कुछ मेन
कंसेप्ट है, मेन फीचर्स हैं इनके, या फिर मेन इंपोर्टेंस आप बोल सकते हैं, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन हो गया आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन हो गया आपका, जेंडर इक्वलिटी के अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन हो गया, इन सब की वजह से इसको बोलते हैं हम कि हमारी कंट्री का ये ग्रोथ इंजन है एक तरह से आपका एमएसएमई सेक्टर। सेम यहाँ पे आपका हिंदी के अंदर में हो गया। अगर हम बात करें जो आपका एमएसएमई सेक्टर है इसको लेकर जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस क्या हैं, सबसे बड़ी बात आती है आपका जो एनपीए, एनपीए हम बोलते हैं आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है कि आप जो आपकी बैंक है, ठीक है, बैंक ने किसी सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को लोन दे दिया है, कोई अमाउंट उसने उधार दे दिया है, तो उसमें क्या है कि जब वो अमाउंट, जब वो लोन है, वो बैंक को वापस मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। यानी अगर उस बैंक, ये ए बैंक है, इसने बी इंडस्ट्री को लोन दिया है और बी इंडस्ट्री जो आपकी ईएमआई वगैरह है उसको पे नहीं कर पा रहा है, और बैंक की बैंक है, बैंक को अब विश्वास हो गया कि हाँ ये पैसा मेरा वापस नहीं आने वाला है, तो उसको हम बोल सकते हैं एनपीए। यानी कि जो हमारा जो ये बैंक ने लोन दिया था ये नॉन परफॉर्मिंग है, यानी इससे गवर्नमेंट, इससे जो बैंक कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, उसको इंटरेस्ट तो छोड़िए उसको मूल भी नहीं मिल रहा है। तो आपको जो एनपीए का कंसेप्ट है, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये आपके एमएसएमई सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि जो मतलब मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है, छोटी इंडस्ट्री लगानी, मैंने बैंक से लोन तो ले लिया लेकिन किसी कारण से वो मेरी जो इंडस्ट्री है वो रन नहीं कर पाई, तो रन मेरे अगर मेरे नहीं करे वो रन नहीं कर पाएगी अच्छे तरीके से, तो उससे क्या है कि मेरी इनकम नहीं होगी, और अगर मेरी इनकम नहीं होगी तो उससे जो मैं बैंक से मैंने जो लोन लिया था उसको मैं रिपे कैसे करूंगा। तो ये ही है, तो आपका जो एनपीए है वो एक इसको चैलेंजेस है। सेकंड क्या है आपका, अगर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं मुद्रा लोन वगैरह, जो गवर्नमेंट कुछ स्कीम लगाती है, या फिर आपका कुछ प्राइवेट सेक्टर है जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं एमएसएमई सेक्टर को, तो उसमें हमको एक डिले देखने को मिलता है। यार कई बार तो होता है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं उनको मिल ही नहीं पाता है ये मतलब फंडिंग, और कुछ ऐसे हैं जिनको फंडिंग मिलती है उसमें उनको डिले देखने को मिलता है। तो उससे क्या है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, अगर मेरे पास में कोई पूंजी है, मैंने कोई छोटी इंडस्ट्री उसको लगाई है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फंडिंग मिल जाए तो मैं इसको ग्रो कर जाऊँगा, लेकिन मुझे या तो मुझे फंड मिल ही नहीं पाया, लेकिन जो या फिर जो मुझे फंड मिला उसमें डिले हो गया, वो समय से नहीं मिल पाया, उसमें क्या है कि मेरी जो भी एंटिटी मैंने लगाई है उसके लिए सर्वाइविंग कंसर्न एक तरह से निकल के आ जाते हैं, और अगर उसको लंबे समय तक फंड नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो एक आपकी जो डिले इन फंड्स होता है ये भी इसका एक कंसर्न है। सेकंड क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस लेवल का नहीं है कि हमारे जो ये आपका एमएसएमई सेक्टर है इनको सपोर्ट कर सके। हमारी कंट्री के अंदर में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें की भी कमी देखने को मिलते हैं। जैसे हम अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारी कंट्री के अंदर में आपकी जो पावर सप्लाई है उसके अंदर एसी देखने को मिलते हैं, आपको अनशेड्यूल कट देखने को मिलते हैं पावर सप्लाई के अंदर में। हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं देखने को मिलती है। हमारे अंदर में जो क्वालिटी रोड्स है उनकी कमी देखने को मिलती है। वो जो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी आज भी जो जहाँ पे आपकी जो डेवलप्ड कंट्री है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हमारी कंट्री आज भी आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंडेंट है, और इससे जो है हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी नेगेटिव वे में इसकी इम्पैक्ट होती है। और दूसरी बात देखने को मिलती है कि आपके जो मैक्सिमम जो आपका एमएसएमई सेक्टर है उसके अंदर में आपको या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिलेगा, फिर आपका अनरजिस्टर्ड सेक्टर मिलेगा। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेक्टर, मतलब मैंने इंडस्ट्री को लगा लिया लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी लाइसेंस नहीं दिया लिया है, मतलब इसका कोई भी एक रिकॉर्ड एक अवेलेबल नहीं है कि हाँ मैं इस फील्ड में इस एंटिटी के साथ में इस प्रोडक्ट को बना के मैं वर्क कर रहा हूँ, वो आता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट के अंदर में। तो मैक्सिमम जो ये यूनिट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। और अनऑर्गेनाइज्ड होने के कारण में क्या होता है कि अगर इनको जो फंडिंग की इशू आता है, क्योंकि बैंक से अगर आप फंड लेने के जाए किसी भी एंटिटी के लिए, तो बैंक सबसे पहले देता है प्रूफ कि आपका पास प्रूफ क्या है, और अगर इनकी जो फर्म है वो रजिस्टर नहीं है तो बैंक इनको लोन भी प्रोवाइड नहीं करता है। और बैंक ये रजिस्टर न करने का कारण क्या है, वो आता है रेड टेपिंग, क्योंकि अगर आपको कोई भी अपनी फर्म रजिस्टर करनी है तो उसके अंदर में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, आपको कुछ परमिट्स लेने पड़ते हैं आपको, और तो इन सब हर्डल से बचने के लिए कि एक मतलब कि हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे, किसकी सोबिस के चक्कर काटेंगे, तो उस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जो एंटिटी है उनको रजिस्टर ही नहीं कराते हैं, और रजिस्टर कराने की वजह से इनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा आपका क्रिटिकल है हमारी कंट्री के अंदर में। तो इससे क्या है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो लेवल पे आ जाता है। एंड आपका कई बार क्या होता है हमारे कंट्री में, जैसे लॉकडाउन या फिर आपका कोविड 19 पेंडेमिक है, कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं, मतलब
जो जिसके कारण में हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिलते हैं, और उससे हमारी कंट्री के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका एक इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और डिमांड कम होने से कारण में क्या होता है कि आपकी जो एंटिटी है उन्होंने जो भी पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है प्रोडक्शन बनाने के लिए, उनका वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फंस जाती है, और उस चक्कर में जो एमएसएमई सेक्टर है वो सर्वाइव करना उसके लिए वहाँ पे भी डिफिकल्ट हो जाता है, ड्यू टू उनके पास में प्रोडक्ट तो पड़ा हुआ है, उन्होंने बना दिया है, लेकिन उनके पास में डिमांड नहीं है, उनका बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहेगा तो उनके पास में वो अपनी जो उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका जो इनपुट कॉस्ट है उसको उनको लोगों को सैलरी देनी है, वो सब चीज़ वो कहाँ से कर पाएंगे अगर एक जो भाई साइकिल चल जाए उस साइकिल किसी वजह से टूट जाती है। तो जो स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में तो वो भी एक चैलेंजेस के रूप में देखा जाता है एमएसएमई सेक्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के क्या क्या इनिशिएटिव लेके आए हैं। सबसे पहले है आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी कि आपका यूएम, ये 2015 के अंदर में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर में क्या है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उसको अगर कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो उसको एक यूएएन नंबर उद्योग आधार नंबर दे दिया जाएगा। ये किया गया था हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए। सेकेंड है आपका जो आपका कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3,00,000 करोड़ रुपए एक तरह से आप बोल सकते हैं 3,00,000 करोड़ रुपए अलाउ किए थे, उन्होंने परमिट किया था इसको कि 3,00,000 करोड़ रुपए तक के लोन हम देंगे एमएसएमई सेक्टर को। कोलेटरल फ्री लोन होंगे मतलब ऐसे लोन जिसके अंदर कोई भी आपको एक तरह से मोर्गेज नहीं रखनी पड़ेगी, आपके पास में जो प्रॉपर्टी एक तरह से आप बोल सकते हैं गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो आप कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन के 3,00,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए थे, और उन्होंने किया था कि जो भी एमएसएमई सेक्टर है उसकी जो गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है रिपेमेंट की। तो आपका ये हो गया कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन हो गया। आपकी जो ग्लोबल ट्रेडर्स है यानी कि 200 करोड़ रुपए से कम की जो भी प्रोजेक्ट हमारी कंट्री के अंदर में अनाउंस किए जाएंगे, जो भी 200 करोड़ से कम अमाउंट के प्रोजेक्ट होंगे उनके अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल ट्रेडर्स हैं वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर जो 200 करोड़ रुपए से कम अमाउंट के प्रोडक्ट है वो केवल आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज है, आपकी जो नेटिव इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उन्हीं को वो टेंडर दिए जाएंगे। तो उसमें क्या होता कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है इनके अंदर जो अधिक इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट होती है अपनी जो यूनिट है एंटिटी है उसको बूस्ट करने के लिए। जो आपकी जो सीड भी है यानी कि जो आपका सीड भी है इन्होंने आपकी जो उद्यमी मित्रा पोर्टल एक लॉन्च किया है, यानी कि इसका मेन रीजन है कि जो क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी है यानी कि आपको जो लोन वगैरह चाहिए क्रेडिट चाहिए तो वो आसानी से आपको मिल सके, उसके लिए जो सीड भी है उन्होंने उद्यमी मित्रा पोर्टल लॉन्च किया है। एमएसएमई के लिए एक समाधान पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर में क्या है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है उनको कोई भी इश्यू है, कोई ग्रीलेंसेज हैं तो वो डायरेक्ट आपके एमएसएमई समाधान पोर्टल के अंदर में जाके आप वहाँ पे डाल सकते हैं और आप सीधे उन इश्यू को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचा सकते हैं। एक आपका जो स्फूर्ति स्कीम है, स्फूर्ति स्कीम क्या है कि स्कीम वो फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर में क्या है कि आपका जो स्फूर्ति स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर में क्या होता है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है, आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको एक क्लस्टर के रूप में हमको डेवलप करना है जिससे हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ सके। क्लस्टर के रूप में क्या है कि अगर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करें, मान चलिए कि कोई ये एक्स विलेज है और इसके अंदर में कोई ट्रेडिशन है, ये मान चलिए कि ये आपका एक तरह से टोपी बनाता है, ठीक है, या फिर ये एक तरह से कुर्ता बनाता है, या फिर हम बात कर रहे हैं जैसे आपका ये चूड़ियाँ बनाते हैं, जैसे फैजाबाद की चूड़ियाँ हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की। तो अगर ये अपने ये ए क्षेत्र में काम कर रहा है, बी क्षेत्र में काम कर रहा है, सी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उस रेलवे काम नहीं कर पाएंगे, इनकी जो एक डिमांड और सप्लाई है, डिमांड है वो एक क्षेत्र तक सीमित रह जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इसको एक क्लस्टर के रूप में एक बड़े लेवल पर इनको लेके जाने की कोशिश करें जिससे जो है कंपटीशन इनका बढ़ सके, इनकी डिमांड भी बढ़ सके और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको भी बूस्ट मिले। एंड सॉरी ये बंद हो गया था। हाँ, फिर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्पायर प्रोग्राम। इसके अंदर में क्या होता है कि
कि जो एस्पायर है इसके जो फुल फॉर्म है ये है ए स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर में क्या है कि आपकी जो हमारी कंट्री के अंदर में जो जो अपॉर्चुनिटीज है उनको क्रिएट करने के लिए और जो हमारी कंट्री के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एस्पायर प्रोग्राम को चलाया गया है। हमारी कंट्री के अंदर जो जन धन अकाउंट है उनको ओपन किया गया है, आपका जो ई मार्केट प्लेस है वो सेटअप किए जा रहे हैं, मुद्रा लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है और आत्मनिर्भर भारत अभियान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है जो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एमएसएमई सेक्टर है उसको और अधिक लेवल पर इंप्रूव करने के लिए हमारे सजेशन क्या हो सकते हैं। तो इसमें हो सकते हैं कि आपको जो स्किल लेबर है आप या तो उसको हायर कीजिए, और एक तो आप जो स्किल लेबर है उसको हायर कीजिए क्योंकि जो स्किल लेबर है वो कम समय में आपको अधिक प्रोडक्शन करके देगी, और अगर जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग लेबर है उसको आप स्किलिंग पे फोकस कीजिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। मैं कह रहा हूं जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको इम्प्रूव करना होगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, उसको भी हमको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। और आपकी जो आप जो एमएसएमई बॉन्ड्स हैं इसको आप प्रमोट कीजिए, उससे आएगी जो आपके जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको जो उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट पाना है वो इजियर हो जाएगा। और आपको अगर जो एमएसएमई सेक्टर को लोन्स देने हैं तो उसके लिए आप जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आप कम कर सकते हैं, मतलब बैंक को कहिए कि आपकी मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर आप जो एमएसएमई सेक्टर है उसको लोन दे, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर में जो फंड्स है उनकी कमी उनको देखने को न मिले। एक इनके लिए प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इनके इनसे रिलेटेड एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कोई इश्यूज है उनको टैगल करें, या फिर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई रजिस्टर कराना है तो उन सब चीज़ों को जो देखिए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके लिए होनी चाहिए। और आपका जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हमको इसमें बड़े लेवल पे यूज करना चाहिए, जैसे आपका एआई है, डाटा एनालिटिक्स है, तो इसका हमको यूज करना चाहिए। और हमारे जो लेबर लॉ है उसको भी हमको रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेबर लॉ को रिफॉर्म करते समय हमें ये बात ध्यान पर रखना चाहिए रखनी होगी कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाए और हमारे जो लेबर राइट्स हैं उनका भी प्रोडक्शन हो जाए, उनका भी प्रोटेक्शन है, हम उनको लेबर राइट्स का प्रोडक्शन और एमएसएमई सेक्टर की जो ग्रोथ है दोनों को ध्यान में रखते हुए उनको जो लेबर फ्लो है उनमें भी रिफॉर्म करने की हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ सजेशंस थे आपके एमएसएमई सेक्टर को इम्प्रूवमेंट से लेके। तो सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको इसकी पीडीएफ या टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम हैंडल हमारा एट सक्सेस नेत्रा, और इसकी पीडीएफ का लिंक भी डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी ड्राइव का, वहाँ से भी जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।